1500 नंबर्स को कन्वर्ट कराए सर, बहुत कम चल रहा है सर। लेकिन ये बात आपके इलाके के सभी किसानों से मैं प्रार्थना करता हूं, और देश भर के किसान जो मुझे सुन रहे हैं उन सबको मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि मेहरबानी करके दोनों मत डालिए, और हो सके अगर नैनो मिल जाता है तो नैनो से ही चला लीजिए। वो पहले एक बोरा भरा फर्टिलाइजर डालते थे, एक छोटी बोतल का नैनो अब काम कर देता है। ये बहुत बड़ा काम हुआ है हमारे देश में, और हमारे किसानों ने उसका फायदा लेना चाहिए। लेकिन डबल कर दिया तो फिर ये हमारी धरती माता, उसका सांस बचेगा ही नहीं, हमारा कोई काम की नहीं रहेगी। ये माता से हमें कुछ नहीं मिलेगा बाद में। अच्छा मोहिद्दीन जी, जब सरकार सबका साथ सबका विकास की भावना से काम करती है, तो आप देख रहे हैं कि कैसे योजनाएं आखिरी व्यक्ति तक पहुंचती हैं, गरीब से गरीब तक पहुंचती हैं, खेत खलिहान तक पहुंचती हैं, और सबको लाभ होता है। और मेरी तो कोशिश है कि चलो इसमें भी कोई रह गया है तो मोदी की गारंटी वाली गाड़ी भगाओ भाई, जहां भी है लोगों के पास जाओ। और मैं सबके सरकार के लोगों को गांव-गांव भेज रहा हूं, इसी के तहत ये विकास यात्रा वाली गाड़ी आपके पास पहुंची है। मुझे खुशी है कि आप लोगों ने एग्री इंफ्रा फंड के माध्यम से इतना बड़ा काम किया है। ये न सिर्फ पैक्स की आर्थिक क्षमता को बढ़ाएगा बल्कि किसानों का भी लाभ पहुंचाएगा। हमारी सरकार पैक्स के लिए, विकास के लिए हर संभव कार्य कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा पूरे कोऑपरेटिव क्षेत्र को बल देने के लिए हमने बिल्कुल कोऑपरेटिव का नया मंत्रालय बनाया, नई नीतियां बनाई, और पैक्स के द्वारा अब जगह जगह नई स्टोरेज फैसिलिटी भी तैयार करने का काम शुरू किया है। 2 लाख भंडारण गोडाउन स्टोरेज कैपेसिटी बनाने का सोचा है मैंने। चलिए, मुझे अच्छा लगा आपके साथ। माताएं बहनें भी बहुत बैठी हैं, उनको भी मेरा प्रणाम, मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। अब आओ देखते हैं कौन है मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पास, कहां से जुड़ रहे हैं। अब मिजोरम के आइजोल चलते हैं, उनको जहां से रुआया रावते जी जुड़े हुए हैं। धन्यवाद सर। सुशाया जी कैसे हैं? अच्छा है। नाम बीएफ रावते आइजोल डिस्ट्रिक्ट दूरदान से बैठा है। अच्छा सुहेया जी, मुझे बताया गया कि आप तो बिल्कुल ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, तो किस किस चीज की खेती करते हैं आप? ऑर्गेनिक सर, सबसे पहले हम ऑनलाइन अपने प्राइम मिनिस्टर जी का स्वागत करते हैं। यहाँ पर सारे फार्मर जितने भी लोग बैठे हैं आपको हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आपने मिजोरम को ये अच्छा मौका दिया, सब लोग बहुत खुश हैं, आपको धन्यवाद करते हैं। कुबेर शोया जो है आइजोल दुप्लांग में रहते हैं और ये जैविक खेती 2017 से कर रहे हैं, और जिसमें ये अदरक और मिजो मिर्ची और जो वेजिटेबल होती है उसकी ये खेती करते हैं। अच्छा सोया जी, इस केमिकल फ्री फार्मिंग का क्या फायदा है, अपने कुछ अनुभव बताइए ताकि देश के किसान सुन रहे हैं। और मिजोरम से आवाज उठ रही है तो देश के किसानों का बहुत मन करता है आपकी बात सुनने का, और मेरा भी मन करता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग खाएंगे ना, तो खाएंगे में नहीं तो दुआ। अरे आप उनको पूरा बताइए, मैंने जितना बोला वो सारा ट्रांसलेट करके बताइए उनको, एक दो वाक्य मत बताइए। यस सर। आप फिर से माइक लेके सबको बताइए। इनको भी बताया है आपने जो पूछा है, उनको फिर वो बताएंगे मेरे को, मैं उसको हिंदी में आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगा सर। ऑर्गेनिक फार्मिंग मार्केट
सर वो सबसे पहले कहना चाहते हैं, जब से उन्होंने जैविक खेती शुरू करी है तब से इनको सबसे बड़ा जो लाभ आज तक मिला है वो है मार्केट में। तो जैसे इनकी पहले और भी किसान इनके साथ जुड़े थे, इनकी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बनी है, आज की डेट में बाहर से कंपनियां हैं, जो दिल्ली से कंपनी है इनको बात करती है, इनके पास फोन आता है इनका सामान लेने के लिए, और इनकी जो इनकम थी वो भी बहुत अच्छी ज्यादा बढ़ी है। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी आमदनी के बारे में एक बार बताएं। अच्छा, आप लोग अपना प्रोडक्ट कहाँ बेचते हैं, और ये भी बताइए कि इन उत्पादों की कितनी मांग है, किस इलाके में ज्यादा मांग है? जो ये स्कीम के अंदर काम कर रहे हैं मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, उसके अंतर्गत एक मार्केट सेट बनाया गया था जहां पे किसान बिना किसी मिडिलमैन के डायरेक्ट अपनी सब्जी बेचते हैं आके, और उसका जो फायदा होता है जैविक का सारा किसान के पास जाता है। पहले इनकी जो आमदनी थी वो 20,000 रुपया होती थी, जब से जैविक खेती की तरफ इन्होंने रुख किया है आज इनकी इनकम 150,000 रुपए है। बच्चों को ये अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं, घर भी इन्होंने अपना पक्का बना लिया है, अभी तो ये अभी तक इनको मेन बेनिफिट हुआ है सर। सोया जी और मिजोरम के जो भी लोग आज मेरे सामने बैठे हैं और देश भर के किसान भी सुन रहे हैं, और मैं जरूर कहना चाहूँगा सुया जी, आज लाखों किसान केमिकल फ्री फार्मिंग से जुड़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि आप इतने दूर सुदूर नॉर्थ ईस्ट में से भी इस अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। इस प्रकार की खेती हमारे स्वास्थ्य के साथ ही धरती माता के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है। पिछले 9 वर्षों में केमिकल फ्री फार्मिंग का मार्केट 7 गुना से भी ज्यादा बढ़ा है। इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ रही है, लोगों के स्वास्थ्य में भी लाभ हो रहा है, और मैं आपके माध्यम से सभी किसानों को केमिकल फ्री खेती को अपनाने के लिए जो आगे आए हैं वो बधाई के पात्र हैं, और जो इंतजार करते हैं उनसे मेरा आग्रह है, आइए अब देखते हैं कौन मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के पास कहां से जुड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से लक्ष्मी प्रजापति जी जुड़े हैं, अब यहां चलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री लक्ष्मी प्रजापति जी। जी मैं लक्ष्मी चंद प्रजापति। लक्ष्मी जी नमस्कार। नमस्कार सर। तो आप लक्ष्मी जी अभी गोरखपुर से बोल रहे हैं कि?